दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेरबाज और तांत्रिक बालूची। ये शेरबाजी कॉमिक्स है, एक्शन एडवेंचर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। शेरबाज और तांत्रिक बालूची। जनवरी के महीने की एक सर्द रात को शेरबाज पीपलगढ़ी से एक निजी कार्य समाप्त कर राजधानी वापस लौट रहा था। उसकी मोटरसाइकिल ठंडी हवा को चीरती हुई तीव्र गति से शमशान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। चारों ओर गहन सन्नाटा था। आज तो कड़ाके की सर्दी है, मुझे पीपली गड़ी से दोपहर को ही चल देना चाहिए था। खैर अब तो घर पहुंचकर ही दम लूंगा। शेरबाज अभी पीपल गड़ी और राजधानी के मध्य ही पहुंच पाया था कि अचानक, अरे ये इंजन बंद क्यों हो गया? पेट्रोल तो खत्म हो नहीं सकता, चलने से पहले टंकी फुल करवाई थी, देखूं क्या गड़बड़ हो गई है। शेरबाज ने मोटरसाइकिल से उतरकर उसकी जांच की। इसमें तो कोई खराबी नजर नहीं आती, मैग्नेटो भी ठीक काम कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। शेरबाज ने पुनः इंजन चालू करने की कोशिश की, परंतु असफल रहा। आज तो अच्छा फंसा, दिन निकलने से पहले सड़क पर यातायात की कोई संभावना नहीं, मगर रात तो किसी किसी तरह बितानी है, क्यों न। शेरबाज अभी कुछ निश्चय भी न कर पाया था कि एक आंख वह चौक पड़ा, क्योंकि उसके पांव अपने आप एक और को बढ़ने लगे थे। अरे यार मुझे क्या हो गया, रोकने पर भी मैं अपने आप को रोकने क्यों नहीं पा रहा हूं। शेरबाज ने पूर्ण बल से अपने कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक न सका। आश्चर्य लगता कोई अज्ञात शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। और फिर चलता चलता वह जंगल में एक खुली जगह पर पहुंच गया, जहां थोड़ी दूरी पर आग जल रही थी जिसकी लपटें काफी ऊंची उठ रही थी। यहाँ यह आग किसने जलाई है? कहीं सारा जंगल आग पकड़ गया तो। और फिर उस आग के पास पहुंचकर शेरबाज एक कदम सहते ही रुक गए। तभी आग में से किसी के बोलने की आवाज ने उसे चौंका दिया। बच्चा शेरबाज परेशान न हो, हम इन्हें तुम्हें यहाँ बुलाया है, हमें अग्नि बाबा कहते हैं। अरे इस आग में से आवाज कैसे आ रही है? ये अग्नि बाबा कौन है? यह तो मेरा नाम भी जानता है। तभी अग्नि में से पुनः आवाज आई, विस्मित होने की आवश्यकता नहीं बच्चा, शीघ्र ही तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। अरे यह तो मेरे विचार भी आसानी से पड़ रहा है, बड़ा अजीब मामला है। घबराओ नहीं बच्चा, हम विचार ही नहीं पढ़ सकते, अभी तो तुम्हारे पिछले सभी जन्मों की भी जानकारी रखते हैं। असमंजस में पड़ा शेरबाज ज्यादा देर चुप न रह सका। देखिए आप जो भी हो सामने आकर बात करें, इसमें कोई शक नहीं कि आपके पास जरूर कोई अद्भुत शक्ति है। तभी धधकती आग की लपटें धीमी पड़ गई और शेरबाज को उसके मध्य एक बूढ़ा साधु बैठा दिखाई दिया। आश्चर्यचकित शेरबाज आग में बैठे बूढ़े को ध्यान पूर्वक देखने लगा। तभी, बच्चा यह कोई सपन ही सत्य है, आओ हमारे करीब आओ। इस आग में? नहीं बाबा मैं यही ठीक हूँ, आप जो भी कहना चाहते हैं कहें। तभी बूढ़े साधु ने एक दतकता हुआ अंगारा उठाकर शेरबाज पर फेंका। सदैव सतर्क रहने वाले शेरबाज ने उस अंगारे को थाम लेने के लिए अपने आप को बाध्य किया। अरे यह तो बिल्कुल ठंडा है, सत्य को जल्दी पहचान लेने में ही समझदारी है बच्चा, और उसमें बहुत कम है। हमें तुमसे जो भी कहना है हम इन अंगारों के मध्य ही कह सकते हैं, वो तुम्हारा अग्नि के घेरे में होना भी अनिवार्य है। अब शेरबाज का भरम मिट चुका था, इसलिए वह बेधड़क अग्नि के मध्य साधु के पास जा पहुंचा। बैठ जाओ बच्चा, मैं जो भी कहूं उसे ध्यान से सुनना और पूरी तरह याद रखना। और अंगारों पर बैठा शेरबाज अपने को पूरी तरह सुरक्षित पा बाबा से प्रभावित हुए बिना न रह सका। कहिए बाबा, मुझे खुशी होगी अगर मैं आप जैसे मानव शक्तिशाली सिद्ध पुरुष के किसी काम आ सका। फिर अग्नि बाबा ने कहना शुरू किया, इस देश में बालूची नामक एक दुष्ट तांत्रिक है और उसके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं जिनका वह दुरुपयोग करके इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेना चाहता है। हमें उसे उन मान शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकना है। अपने गुरु को दिए वचन के अनुसार यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उस दुष्ट बालूची की उन सिद्ध शक्तियों को नष्ट कर दूं, परंतु मेरा अंतिम समय आ चुका है, अतः मैं इस बूढ़े शरीर के साथ बालूची से मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे किसी ऐसे साहसी युवा पुरुष की जरूरत थी जो यह दायित्व निभा सके, और तुम ही वह साहसी युवक हो। बोलो क्या तुम इस बूढ़े की अंतिम इच्छा पूरी करोगे? मगर बाबा जब बालूची के पास बड़ी बड़ी मान शक्तियां हैं तो वह मुझे भी अपने वश में कर सकता है, जैसा कि आपने कुछ देर पहले किया था।
ऐसी हालत में मैं उससे टक्कर कैसे ले पाऊंगा? हा, बच्चा शेरवाज, तुम क्या समझते हो? हम तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। नहीं, तुम्हारे पास भी वह सभी शक्तियां होंगी जो बालूची के पास है, और टक्कर भी बराबर की होगी। यह एक अटल सच्चाई है। जब भी झूठ और सत्य में लड़ाई हुई है, हमेशा सत्य ही विजयी रहा है। मगर अग्नि बाबा, यह असंभव कैसे होगा? यह हमारा काम है बच्चा। इस शरीर को छोड़ने से पहले हम अपनी सभी शक्तियां तुम्हें सौंप देंगे, और इसके बाद जब तक बालूची का अंत नहीं होता, ये शक्तियां तुम्हारे साथ ही रहेंगी। फिर बाबा ने अपने हाथ की उंगली से एक मणिक जड़ित अंगूठी उतारी और शेरवास को देते हुए बोले, लो बच्चा, इसे अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में पहन लो। जब तक यह अंगूठी तुम्हारी तर्जनी में रहेगी, बालूची तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। शेरबाज ने जैसी वह अंगूठी अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में पहनी, उसे अपने शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार सा होता महसूस हुआ। बाबा, लगता है मेरे शरीर में असीम शक्ति उत्पन्न हो गई है। क्या मैं इसका कोई प्रयोग करके देखूं? नहीं बच्चा, यह भूल कभी मत करना। और याद रखना, तुम्हें इन शक्तियों का प्रयोग बुराई को समाप्त करने के लिए ही करना है, क्योंकि यह शक्ति अधिक प्रयोग करने से क्षीण हो जाएंगी। तुम स्वयं एक अति साहसी और वीर पुरुष हो, इसलिए हमेशा उन्हें तभी प्रयोग में लाना जब तुम्हारा अपना आत्मबल तुम्हें जवाब दे जाए। ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं इनका प्रयोग कभी नहीं करूंगा। अब बताइए बालूची मुझे कहाँ मिलेगा? अग्नि बाबा ने फिर कहना आरंभ किया, यहाँ से 200 कोस दूर दक्षिण में एक शिवपुर नामक कस्बा है। वहां के मंदिर में बालूची का डेरा है। मंदिर में एक तहखाना है, वहां रखी एक शिव मूर्ति की तीसरी आंख में एक हीरा जड़ा हुआ है। तुम्हें उस हीरे को निकालकर अग्नि की भेंट करना होगा, तभी बालूची का कुकर्म कांत होगा। अग्नि बाबा, यह सब बताने के लिए आपने मुझे इस आग में ही क्यों बुलाया? बच्चा, बालूची भी मेरी तरह दूसरों के विचार पढ़ने में निपुण है। उसके पास एक महाकाल दर्पण है, जिससे पृथ्वी पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना को देख सकता है। मैंने तुम्हें अग्नि के मध्य इसलिए बुलाया था ताकि हमारे बीच हुई किसी भी बात का बालूची को पता न चल सके। फिर अग्नि बाबा ने अपना हाथ शेरवाज के सिर पर रख दिया। लो बच्चा, अब से तुम मेरी सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हो। जाओ और अपना वचन पूरा करो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अपने सिर पर अग्नि बाबा के हाथ का स्पर्श पाते शेरवाज को असीम आनंद की अनुभूति हुई। यह क्या, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। कितना सुखद है यह अनुभव। फिर अग्नि बाबा ने अपना हाथ शेरवाज के सिर से हटा लिया। अच्छा बच्चा, अब तुम अपने रास्ते पर जाओ और पीछे पलटकर मत देखना। शेरबाज तुरंत अग्नि के घेरे से बाहर आ गया। तभी आग की लपटें पुनः भड़क उठी। शेरबाज जिस रास्ते से आया था, तुरंत उसी ओर लौट पड़ा। तभी उसे अपने पीछे की ओर से आने वाले तीव्र प्रकाश की अनुभूति हुई। लगता बाबा ने देह त्याग दिए। कितना भाग्यशाली हूं मैं कि मुझे इतनी महान आत्मा के दर्शन करने का मौका मिला। इस अनुभव को मैं आजीवन नहीं भुला सकूंगा। थोड़ी देर बाद शेरबाज अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंच गया। पहली ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। फिर शेरबाज की मोटरसाइकिल तीव्र गति से उस सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। पहले बाबा को दिया वचन ही पूरा करूं, राजधानी बाद में जाऊंगा। कुछ घंटों बाद शेरबाज की मोटरसाइकिल एक चौराहे पर पहुंच दक्षिण दिशा की ओर घूम गई। शिवपुर का रास्ता तो मालूम नहीं, फिर भी मुझे यकीन है कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूं। जरूर अग्नि बाबा की दिव्य शक्तियों का प्रभाव है। नदी नाले और पथरीले मार्ग को पार करती हुई शेरबाज की मोटरसाइकिल उड़ी चली जा रही थी। अब अग्नि बाबा की दिव्य शक्तियां मेरे पास है, क्यों न उनका उपयोग किया जाए। मोटरसाइकिल रोककर शेरबाज ने अग्नि बाबा को याद कर उनकी शक्ति का पहला प्रयोग किया। अग्नि बाबा, मैं बालूची के डेरे को देखना चाहता हूं। और शेरबाज की आंखों के सामने बालूची के डेरे का दृश्य उभर आया। और फिर कुछ ही देर बाद शेरबाज शिवपुर की सीमा पर पहुंच गया। शिवपुर 5 किलोमीटर। फिर उसने दिव्य दृष्टि से देखे मंदिर की ओर अपनी मोटरसाइकिल घुमा दी, और कुछ दूरी पर जाकर उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी।
यहाँ से पैदल चलना ठीक रहेगा। मोटरसाइकिल की आवाज किसी को भी सुनाई दे सकती है। सूर्य उदय होने में भी कुछ देर बाकी है, उससे पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उधर उसी रात बालूची शिवपुरी के मंदिर तय खाने में अपने आने वाले समय के बारे में सोच रहा था। वह दिन दूर नहीं जब मैं मृत्यु से दीप प्राप्त कर पूरे संसार पर काबू पा लूंगा, मगर जब तक मैं उस बुढ़े खूसट अग्नि बाबा का नाश नहीं करूंगा, मेरा यह सपन पूरा नहीं होगा। वह दुष्ट मेरे पीछे लगा है और वह मेरी सब योजनाएं भी जानता है। तभी सामने रखे अग्निकुंड से काला धुआं उठा और बालूची की विचार तंद्रा भंग हो गई। लगता परम राक्षस कोई संदेश लाया है। तभी बालूची ने अपने पास रखे एक नर कंकाल को उठाया और उस पर फूंक मारी तो वह कपाल बोलने लगा, प्रेत लोक के महाराज खुशखबरी, क्या समाचार ब्रह्म राक्षस, तुम बहुत हर्षित लग रहे हो। हाँ महाराज, अभी अभी मैंने अग्नि बाबा के सूक्ष्म शरीर को छठे आसमान की ओर जाते देखा है। वह अपना शरीर छोड़ चुका है। देखो तो सही अग्नि बाबा ने कहाँ अपना शरीर त्यागा है। फिर बालूची ने एक शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार के कांच के गोले पर मंत्र पढ़कर फूंक मारी और पूछा, हे महाकाल के दर्पण, बता अग्नि बाबा का शरीर कहाँ है। तभी कांच के गोले पर उसी जगह का दर्शन उभर आया जहाँ अग्नि बाबा की शेरबाद से भेंट हुई थी, परंतु वाम बाबा की अस्थिया के सिवा कुछ न था। हा हा, वह खुसट परलोक सिधार चुका है, अब बालूची से कोई टक्कर नहीं ले सकता। हा हा, महाराज ब्रह्म राक्षस कभी गलत संदेश नहीं लाता। ब्रह्म राक्षस हम आज बहुत प्रसन्न है, जाओ तुम्हारे लिए नरबलि का प्रबंध किया जाएगा। प्रेत लोक के महाराज की जय। हा, आज का दिन बालूची के जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन था, क्योंकि उसके सबसे बड़े शत्रु अग्नि बाबा का अंत हो चुका था। अब बालूची ने समय गवाना उचित नहीं समझा, अतः तुरंत उसने मानसिक संदेश द्वारा अपने शिष्य को बुलाया, डंगरनाथ यहाँ आओ। कुछ देर बाद एक क्रूप साधु ने तहखाने में प्रवेश किया। सेवक के लिए क्या आज्ञा गुरुदेव, डंगरनाथ हम मृत्यु सिद्धि की साधना में लीन हो जाना चाहते हैं, तुम विधिवत सब प्रबंध कर दो। किंतु गुरुदेव, कुंवारी कन्या के बिना साधना सामग्री का प्रबंध अधूरा रह जाएगा। कन्या का प्रबंध हम करेंगे, जो आज्ञा गुरुदेव। डंगरनाथ ने तुरंत साधना की सारी सामग्री का यथा आदेश प्रबंध कर दिया। ठीक है डंगरनाथ, अब हम कन्या को यहाँ बुलाएंगे, हमारी साधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, अब तुम जा सकते हो। डंगरनाथ के बाहर जाते बालूची अपने महाकाल दर्पण के पास पहुंचा और, ए महाकाल के दर्पण, बता इस देश की सबसे सुंदर कन्या कौन है। कुछ क्षण बाद एक सुंदर कन्या का चेहरा उस दर्पण पर उभर आया और बालूची की आंखों में एक अजीब सी चमक लहरा उठी। अति सुंदर, इसी कन्या द्वारा मैं मृत्यु को सिद्ध करूंगा, समय अनुकूल है, अब मैं इसे यहाँ बुलाता हूँ। फिर बालूची ने पास रखा कपाल उठाया और आंखें बंद कर मंत्र का जाप करने लगा। तभी कपाल के मुंह से सफेद धुआं निकलना शुरू हो गया। तभी वह धुआं समाप्त हो गया और एक 15-16 वर्ष की अति सुंदर कन्या भयभीत सी अवस्था में बालूची के सामने खड़ी थी। कन्या घबराओ नहीं, इधर हमारे पास आओ। आप कौन है, मैं कहा हूं। लेकिन बालूची ने कन्या के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी तांत्रिक शक्ति द्वारा उस मासूम के मस्तिष्क और आत्मबल पर काबू पा लिया। कन्या चलो उस मूर्ति के सामने जाकर लेट जाओ। यंत्रवत सी कन्या शिव मूर्ति के सामने जाकर लेट गई और लेटते ही कन्या अपनी चेतना खो बैठी। फिर बालूची पास से पड़ी कड्डी और कपाल उठा एक विशेष मुद्रा में खड़ा हो मंत्र जाप करने लगा। उधर डंगरनाथ के साथी भैरवनाथ ने डंगरनाथ के आदेशानुसार नरबलि का प्रबंध कर लिया था। भैरवनाथ, सूर्य उदय होने से पहले बलि का कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। आप चिंता न करें डंगरनाथ, यह कार्य मैं भी पूरा किए देता हूं। और फिर भैरवनाथ एक आदमी को कंधे पर उठाए हुए वधशाला की ओर चल पड़ा। सूर्य उदय होने में अभी काफी समय बाकी है, काम आसानी से हो जाएगा। उधर संयोग से शेरबाज भी मंदिर के पिछवाड़े के वृक्षों में पहुंच गया था। तभी एक साथ हुए एक आदमी को उठाए हुए एक तरफ जाते देख वह ठिठक गया। अरे ऐसा, इस बंदे आदमी को उठाकर किधर लिए जा रहा है।
सकल चेतो जल्लाद नजर आता है, देखूं क्या बात है। फिर शेरबाज सतर्कता से साधु के पीछे हो लिया। शेरबाज की उपस्थिति से बेखबर भैरवनाथ बंधक को लेकर वधशाला में पहुंच गया। फिर भैरवनाथ खंड खंडा उठाए रस्सियों से बंधे आदमी के पास जाकर रुका तो शेरबाज चौंक पड़ा। अरे दुष्ट, तो इस आदमी की हत्या करने जा रहा है, मुझे इसे बचाना चाहिए। कुछ ही क्षणों में शेरबाज बड़ी सावधानी से उस साधु के पीछे पहुंच गया। अभी साधु ने उस आदमी पर वार करने के लिए हाथ उठाया था कि शेरबाज ने बिजली की तेजी से उसकी कलाई थाम ली। अरे यह कौन, तेरी मौत, ओह। शेरबाज की नजर भैरवनाथ के खंडे पर थी, अतः उसने भैरवनाथ को संभलने का मौका नहीं दिया। भयं हाय, भैरवनाथ संभलता ही था कि शेरबाज ने उसे उठाकर फिर पटक दिया। अब मैं तेरा वध करूंगा शैतान, ओ ये आदमी तो बहुत चालाक और फुर्तीला है, मैं इस पर काबू नहीं पा सकता। भागकर डंगरनाथ को सूचित करने में ही मेरी भलाई है। और फिर भैरवनाथ मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। इसे हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। बड़ी तेज से दौड़ता हुआ भैरवनाथ मंदिर के अंदर जा घुसा। शेरबाज के पहुंचने से पहले वह द्वार बंद कर चुका था, अतः शेरबाज को रुक जाना पड़ा। मंदिर के अंदर पहुंचने का यही द्वार है, पर पहले मुझे उस बंधक व्यक्ति को मुक्त करना चाहिए। और फिर शेरबाज वापस लौट पड़ा। उधर तहखाने के द्वार पर खड़े पहरादे रहे डंगरनाथ को भैरवनाथ ने सारा वृतांत कह सुनाया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुआ हूं। सारी बात सुन डंगरनाथ भैरवनाथ पर क्रोधित हो बरस पड़ा। मूर्ख, सूर्योदय होने से पूर्व नरबलि न हुई तो सब सत्यानाश हो जाएगा। मैं विवश था डंगरनाथ। भैरवनाथ का उत्तर सुन डंगरनाथ त्रिशूल उठाकर भैरवनाथ के साथ चल पड़ा। आज एक नहीं दो नरों की बलि होगी, चलो मैं देखता हूं कौन है वह दुष्ट। उधर शेरबाज बंधे हुए आदमी के बंधन खोलना ही चाहता था कि खतरे का आभास हुआ, फलक पड़ा। वो तो यह शैतान फिर लौट आया, अपने साथ एक और शैतान को लाया है। यही है वह दुष्ट। नराधम, तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई है, यह ज्यादा खतरनाक लगता है। अगले पल भीषम, ओह। तभी भैरवनाथ को हाथ में फरसा लिए अपनी तरफ झपटते देख शेरबाज ने किसी किसी नट की तरह कलाबाजी खाई। और अगले ही पल फिर इससे पहले कि डंगरनाथ संभल पाता, शेरबाज की फौलादी बार डंगरनाथ की गर्दन से लिपट चुकी थी। तभी शेरबाज ने भैरवनाथ को जमीन पर गिरे फरसे की ओर लपकते देखा। अगले पल अपने साथी से कह गलत हरकत न करे वरना तेरे गले की हड्डी टूट जाएगी। अपने गले पर शेरबाज की बाह का कसाव बढ़ता महसूस कर डंगरनाथ भयभीत हो उठा। रुक जाओ भैरवनाथ। भैरवनाथ डंगरनाथ की चीख सुन सुन, सुन रुक कर पलट पड़ा। अगर तुम अपने साथी की जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप इस आदमी के बंधन खोल दो। खबरदार, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। हाँ, जो यह कहता करो। भैरवनाथ ने बंधक व्यक्ति को मुक्त कर दिया। तब शेरबाज ने उस आदमी की मदद से भैरवनाथ और डंगरनाथ को कसकर रस्सी से जकड़ दिया। अब जब तक पुलिस नहीं आती तुम दोनों यहीं खड़े रहो। फिर शेरबाज उस आदमी की तरफ मुड़ा। तुम कौन हो भाई, इन शैतानों के चुंगल में कैसे फंस गए? मैं राम लखन हूं बाबूजी, मैं रोज सुबह तांत्रिक बाबा को दूध देने आता हूं। आज सुबह जब मैं आया, राम लखन शेरबाज को आप बीती बताने लगा। उसके साथ घटी घटना चलचित्र के समान उसकी आंखों के सामने उभर रही थी। मैं मंदिर में दाखिल हो रहा था कि तभी मेरे सिर पर चोट हुई, फिर मुझे कसकर बांध दिया गया। तभी दूसरा साधु भी वहां आ पहुंचा और नर बलि का प्रबंध होते देख प्रसन्न हो उठा। शाबाश भैरवनाथ, अब जाकर नर बलि की तैयारी करो। ध्यान रहे, गुरुदेव कन्या के साथ मृत्यु सिद्धि की साधना में लीन हो चुके हैं, उनकी साधना में कोई बाधा न पहुंचे। आप चिंता न करें डंगरनाथ। अचानक शेरबाज ने राम लखन को बीच में ही रोक दिया। राम लखन, तुम फौरन पुलिस को यहाँ लेकर आओ, तब तक मैं उस लड़की को इन हत्यारों के चुंगल से निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा बाबूजी।
राम लखन के जाने के बाद एक कन्या और बालूची के साथ। शेरबाज ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। न जाने दुष्ट बालूची ने उस कन्या की क्या दुर्दशा की होगी। मंदिर का द्वार खुला था तथा शेरबाज को अंदर जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अभी करवाता हूं बालूची तेरी मृत्यु सिद्धि साधना। फिर एक द्वार के सामने पहुंच शेरबाज रुक गया। सामने दीवार पर एक कुल्हाड़ा लटका हुआ था। शायद यही तहखाने का द्वार है। बालूची यही तहखाने में साधना कर रहा है। इधर जैसे शेरबाज ने मंदिर में कदम रखा उधर अपनी साधना में लीन बालूची का ध्यान एकाकी भंग हो गया। कौन है दुष्ट जो मेरे माया जाल को तोड़ मेरी साधना में विघ्न डालने चला आया है। बालूची अपनी दिव्य शक्ति से विघ्न डालने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। यह क्या वह दुष्ट मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है। डंगरनाथ और भैरवनाथ कहाँ है। बालूची जब दिव्य शक्ति द्वारा भी डंगरनाथ से बात न कर सका तो अचंभित हो उसे अपनी साधना अधूरी छोड़नी पड़ी। डंगरनाथ और भैरव भी मेरे माया जाल के घेरे से बाहर जा चुके हैं। जरूर कोई गड़बड़ है मुझे स्वयं जाकर पता लगाना चाहिए। उधर तय खान का द्वार खुलते शेरबाज कपाट की आड़ में हो गया। शेरबाज की मौजूदगी से बेखबर बालूची दरवाजे से निकल आगे बढ़ गया। इस शैतान से बाद में निपटूंगा पहले लड़की को यहां से निकालू। तय खाने में पहुंचते शेरबाज चौंक उठा। यह तो शायद मर चुकी है। फिर निकट पहुंचकर शेरबाज ने गौर से लड़की का निरीक्षण किया। यह तो जिंदा लेकिन नब्ज बहुत धीमी चल रही है। मुझे इसे तुरंत खुली हवा में ले चलना चाहिए। फिर जैसे शेरबाज चलने को हुआ उसकी नजर शिव मूर्ति पर जा पड़ी। यही है वह तीन आंख वाली मूर्ति। अच्छा मौका है तीसरी आंख में जड़े हीरे को निकालने का। शेरबाज मूर्ति के समीप पहुंच गया। अरे यह तो कोई हीरा नहीं है। कहीं बालूची हीरा अपने साथ तो नहीं ले गया। अब शेरबाज ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि बालूची लौटे मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। उधर मंदिर के बाहर निकल जब बालूची ने डंगरनाथ और भैरवनाथ को कहीं न पाया तो वह चिंतित हो उठा। वह दोनों कहाँ गए। मुझे एक बार फिर दिव्य शक्तियां प्रयोग कर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर बालूची दिव्य शक्ति द्वारा डंगरनाथ और भैरवनाथ से संबंध स्थापित करने लगा। डंगरनाथ भैरवनाथ कहाँ हो तुम दोनों तुरंत जवाब दो। यह तो महाराज की आवाज है। महाराज हम वधशाला में बंधे पड़े हैं। हमें जल्द मुक्त कराइए। पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है। डंगरनाथ की आवाज बालूची को अपने कानों में सुनाई दी। अगले पल वह वधशाला की ओर दौड़ पड़ा। तो यह बात है परंतु डंगरनाथ और भैरवनाथ की यह दुर्दशा किसने की। वधशाला में पहुंच बालूची ने अपने चेलों को मंत्र शक्ति द्वारा तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। तुम लोगों की यह दुर्दशा किसने की और नर बलि का क्या हुआ। डंगरनाथ ने बालूची को सारा किस्सा कह सुनाया। वह दूर तमें यहां बंदा छोड़ मंदिर की तरफ ही गया है। मंदिर की तरफ। बालूची का माथा ठनका। फिर बालूची अपने शिष्यों के साथ वधशाला से निकल मंदिर की ओर वापस दौड़ पड़ा। मैं उस दूत को ऐसी मौत मारूंगा कि इसकी रूह 7 जन्म तक प्रेत योनि में भटकती रहेगी। फिर बालूची ने जैसे तहखाने में कदम रखा बुरी तरह चौंक उठा। यह क्या कन्या भी गायब है। जरूर वह धूर्ति कन्या को उठा ले गया है। बालूची चिंतित हो उठा। यह काम किसी साधारण आदमी का नहीं हो सकता। मुझे महाकाल दर्पण में देखकर पता लगाना चाहिए। हे महाकाल के दर्पण बता कन्या कहाँ है। कौन दुष्ट उसे उठा ले गया है। किंतु महाकाल दर्पण में बालूची को आकिल उठती हुई लपटों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। बालूची चौंक उठा। यह कि हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जरूर वह व्यक्ति जो कन्या को उठा ले गया है अद्भुत शक्तियों का स्वामी है। लेकिन अग्नि बाबा के सिवाय ऐसी शक्ति किसके पास हो सकती है। हमें ब्रह्म राक्षस की सहायता लेनी चाहिए। उधर शेरबाज लड़की को होश में लाने की कोशिश कर रहा था किंतु उसे सफलता नहीं मिली। बालूची को जब लड़की नहीं मिलेगी तो वह जरूर पता लगाने की कोशिश करेगा। हो सकता है वह यहाँ आ पहुंचे। इस अंगूठी के जरिए बालूची से मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ परंतु इस लड़की को मुझे अग्नि बाबा से कोई रास्ता पूछना चाहिए।
शेरबाज ने अग्नि बाबा को याद किया। अग्नि बाबा, मुझे इस लड़की के बचाव का कोई रास्ता बताइए। बच्चा, फिक्र मत करो, अगर तुम किसी धातु के टुकड़े को 7 बार मेरी दी हुई अंगूठी से छुआकर इस कन्या के शरीर के किसी भी अंग से बांध दो तो न केवल यह कन्या थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, अपितु बालूची की किसी भी तांत्रिक शक्ति का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। फिर शेरबाज ने लड़की की कान की बाली ले खोल अग्नि बाबा के आदेश का पालन किया। अब बालूची इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर तुरंत ही लड़की होश में आ गई। उधर बालूची ने जैसे ब्रह्म राक्षस को याद किया, वह बालूची के सामने प्रकट हो गया। क्या गया महाराज, किसी दुष्ट ने हमारी साधना में विघ्न डाला है। वह मृत्यु सिद्धि के लिए लाई गई कन्या को भी उठा ले गया है। तुम उसका पता लगाकर उसे तुरंत खत्म कर दो और कन्या को वापस ले आओ। जो आज्ञा महाराज, वह धूर्त अब बच नहीं सकता। हा। आकाश में विचरण करते हुए ब्रह्म राक्षस को जल्दी शेरबाज लड़की के साथ खड़ा नजर आ गया। यही है वह दुष्ट जिसने महाराज की साधना में विघ्न डालने की गुस्ताखी की है। अभी मजा चखाता हूं इसे। दूसरे पल ब्रह्म राक्षस जंगल में चढ़ते एक भैंसे के शरीर में प्रवेश कर गया। ब्रह्म राक्षस के अंदर समाते भैंसे में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। उधर लड़की शेरबाज को देख भयभीत तो उठी। तो तुम कौन हो, मैं यहाँ कैसे आई, कहाँ हूं मैं? इससे पहले ही शेरबाज लड़की के प्रश्नों का उत्तर देता भयानक आवाज सुन चौंक कर आवाज वाली दिशा में पलट गया। लगता है यह भैंसा पागल हो गया है। तभी शेरबाज को खतरे का आभास हुआ, वह तुरंत सतर्क हो गया। यह भैंसा इसी तरफ आ रहा है, शायद हमला कर बैठे। शेरबाज का अनुमान सही निकला। शेरबाज ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए अपना बचाव किया। फिर जैसे दोबारा आक्रमण करने के लिए भैंसा पलटा, शेरबाज ने उसे टक्कर लेने का इरादा कर लिया। और लेकिन अभी शेरबाज भैंसे के सींग मजबूती से पकड़ ही पाया था कि तभी शेरबाज को अपने अंदर समाती असीम शक्ति का आभास हुआ। और दूसरे पल, अरे आवाज तो किसी इंसान की जान पड़ती है। ओह, वृक्ष की ओट में खड़ी लड़की आश्चर्य से वह दृश्य देख रही थी। कितना शक्तिशाली है यह व्यक्ति, इसने इस पागल भैंसे को कितनी आसानी से अपने काबू में कर लिया है। शेरबाज भैंसे की सच्चाई को भांप चुका था। तो बालूची का चमचा है। शेरबाज का शक्तिशाली गुस्सा जैसे भैंसे के सिर से टकराया, भैंसे का सिर तरबूज की तरह खिल गया। ब्रह्म राक्षस ने भागने में ही अपनी भलाई समझी। असीम शक्ति का स्वामी है यह मानव। लड़की उस इस दृश्य को देख चकित रह गई। यह कैसा चमत्कार, भैंसे के रूप में राक्षस! ऐसी बातें काल्पनिक कथाओं में ही पड़ी थी। तुम नहीं समझोगी यह चमत्कार। पहले यह बताओ, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूं, पर आप? शेरबाज ने लड़की को अपना परिचय दिया। बड़ा नाम सुना था आपका अंकल, आज आंखों से भी आपकी बहादुरी का कारनामा देख लिया, पर तुम इन शैतानों के चुंगल में कैसे फंसी? लड़की ने याद करने की कोशिश की। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार ही हुई थी, फिर आगे कुछ भी तो याद नहीं आ रहा अंकल। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा। फिलहाल तुम सुरक्षित हो, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम यहीं विश्राम करो। मुझे समय न गंवाकर पहले बालूची की खबर लेनी चाहिए। उधर ब्रह्म राक्षस मायूसी हालत में बालूची के सामने प्रकट हुआ। तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों ब्रह्म राक्षस? कन्या को कहाँ छोड़ाए? मैं शर्मिंदा हूं महाराज, मैं उस दुष्ट मानव का बाल भी बांका नहीं कर सका, उल्टे मुझे जान बचाकर भागने के लिए विवश होना पड़ा। हमें यही डर था, उस धूर्त व्यक्ति की वजह से हमारी सारी मेहनत मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम जा सकते हो ब्रह्म राक्षस। मैं वादा करता हूँ महाराज, बहुत जल्द उस दुष्ट की असलियत का पता लगा आपको सूचित करूंगा। ब्रह्म राक्षस के अदृश्य होने के बाद, लेकिन अब क्या होगा महाराज, वह इधर ही आता होगा। बालूसी ने खतरे को समझते हुए तुरंत ही वह डेरा छोड़ देने का निश्चय किया। हमें यह डेरा तुरंत ही छोड़ना होगा, चलने की तैयारी करो डंगरनाथ। जो आज्ञा महाराज। फिर बालूसी के आदेशानुसार डंगरनाथ व भैरवनाथ ने अपने हाथ बालूची के हाथ में थमे कपाल पर रख दिए। और फिर बालूची अपनी सिद्ध शक्ति द्वारा दोनों शिष्यों सहित हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगा। तभी एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर की छत के ऊपर खच्चे उड़ गए।
और मंदिर की ओर बढ़ता हुआ शेरबाज उछलकर दूर जा गिरा। धड़ा ओ, और बालूची व उसके शिष्य बहुत तीव्र गति से आकाश की ओर प्रवास करने लगे और कुछ क्षण बाद वे बादलों में विलीन हो गए। आखिर चूक हो ही गई, यह शैतान तो भाग निकला। शेरबाज वापस उस दिशा में लौट पड़ा जहां वह लड़की को छोड़ आया था। क्या तांत्रिक बालूची मृत्यु सिद्धि प्राप्त कर सका? क्या शेरबाज अग्नि बाबा को दिया वचन निभा सका? आखिर तांत्रिक बालूची कहाँ गया? तो दोस्तों, इसका दूसरा और अंतिम पार्ट है पाताल का शैतान। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी, ये कॉमिक्स आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में, शेरबाज का फोल्डर होगा उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, पाताल का शैतान में।